नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी रिलीज होने वाली है जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका नाम है प्लान ए और प्लान बी। और अगर आप इस मूवी को देखने का सोच रहे हैं तो आपको एक प्लान सी लेके चलना पड़ सकता है, बिकॉज ट्रेलर देख के तो ये काफ़ी एक ऑर्डिनरी लेकिन कॉमेडी और रोमांटिक मूवी लगती है। देखो नेटफ्लिक्स वालों, सीधे मुद्दे पे आते हैं, मैं आपको इसकी स्टोरी अभी बता देती हूँ। अगर इसका 80% भी करेक्ट निकला ना तो समझ जाइए मतलब आप, ठीक है। स्टोरी बेसिकली ये है कि तमन्ना जी जो है वो हीरोइन है, रितेश देशमुख जो है वो हीरो है। इसमें आप जेनी लियोन को ले भी सकते थे बिकॉज उनका लेडीज वो से जेंटलमैन शो पहले से चल ही रहा है, जिसका अपने मूवी में कन्वर्जन कर चुके हैं। इनफैक्ट इसमें होता ये है कि जो अपनी तमन्ना जी है वो साइकोलॉजिस्ट है और फिर उन्होंने स्पेशलाइजेशन चूज करी हुई है साइकोलॉजिस्ट मैरिज काउंसलर। हाँ, मैरिज काउंसलर की, रिलेशनशिप काउंसलर की। और ये जो रितेश जी है उन्होंने, वो एक लॉयर है और उन्होंने सोचा है, उन्होंने स्पेशलाइजेशन चुनी है एक डिवोर्स लॉयर की। मैरिज इज पनिशमेंट ही हो ना। और वो अपने काम को लेके दोनों ही काफी ज्यादा पैशनेट है, इसलिए दिल से तमन्ना जी जो है वो कपल्स को जुड़ाने के पीछे लगी रहती है और रितेश जी जो है वो कपल्स को छुड़ाने के पीछे लगे रहते हैं। Hi, you're a matchmaker and I specialize in family law. Plan A, आप लोगों की शादी करवाओ। Plan B, मैं उनका डिवोर्स हैंडल करूंगा। अब अगर बात करें इसमें स्टोरी क्या है उसकी, तो स्टोरी में भाई कुछ ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कोइंसिडेंटली या किसी के प्लान की वजह से या शायद अपना ऑफिस बाजू बाजू में होने की वजह से मिलते हैं। ये दोनों फिर कपल बन जाते हैं बिकॉज दोनों के ही सर पर जल्दी शादी कर ले या रिलेशनशिप में आ जा जैसा कुछ सर पर प्रेशर है। स्पेशली जो मैरिज काउंसलर है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। मैचमेकर होगे सिंगल, अब बताओ अगर मुकेश अंबानी खुद ही जियो नहीं इस्तेमाल करेगा तो अजीब सा नहीं लगेगा। अब इन दोनों का जो है कैसे तो भी पैचअप या मैचअप या कपल बन जाते हैं या इनका शायद सीन हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर इन दोनों के जो ऑक्यूपेशंस है, दोनों के जो काम है वो एक दूसरे के खिलाफ है, इसलिए इन दोनों के जो तत्व है, वैल्यूज है, एक दूसरे के खिलाफ है और इसी के वजह से वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। पहले दिन से झगड़ा चल रहा है, इसको कोई सोशल मीडिया पे फॉलो ना करे। मूवी के एंड में एक दूसरे के साथ इन दोनों को प्यार हो जाता है, ये दोनों समझ जाते हैं कि शादी करना क्यों जरूरी है, डिवोर्स लेना भी क्यों जरूरी है। दोनों में से एक जो कि लॉयर है, इनका मत परिवर्तन हो जाता है और वो भी इनकी जो तमन्ना जी है उनके साथ लग जाते हैं लोगों को वापस कपल बनाने में, और डिवोर्स लॉयर लग जाते हैं अपने क्लाइंट का कम से कम डिवोर्स कराने में। अब इस जर्नी में कहीं रोमांस होता है, कहीं इमोशंस आते हैं, कहीं जगह पर कॉमेडी होती है और इसी तरीके से ये फिल्म खत्म हो जाती है। नेटफ्लिक्स, आपको क्या लगता है कि यही इस फिल्म की स्टोरी है? बिल्कुल यही इस फिल्म की स्टोरी है और ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं ज़्यादा भावुक लग रही हूँ इसको देख के, लेकिन ऑर्डिनरी सा ट्रेलर है लेकिन रितेश जी है, तमन्ना जी है और कॉमेडी की वजह से मज़ा आने की शक्यता है, इसीलिए हम इस मूवी को देखेंगे ज़रूर नेटफ्लिक्स पे। और अगर कॉमेडी एंड कुछ स्टोरी में टर्न्स एंड ट्विस्ट वगैरह अलग रहा कुछ तो मज़ा भी बिल्कुल आएगा। तो ट्रेलर देख के हम लोग मूवी अच्छी होगी या बुरी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था कि भाई प्लान सी भी रखो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद।